अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर वफीत से रखे। अपना और अपने अजीज़ व अकारब का ख़ास ख्याल रखिएगा, इसी का नाम ही ज़िंदगी है। मैं जनाब चौधरी बशीर, जिला गुजरात की तहसील खारियाँ के एक गांव बासरियाँ से तल्लुक है मेरा। इस वक्त सऊदी अल रियाज में हूँ। एक सवाल है, तनवीर मुग़ल साहब हैं इस वक्त सऊदी अरब में हैं, और उनका एक सवाल है, कल कॉमेंट्स में उन्होंने पूछा था कि बताएँ कि अगर मैं सऊदी अरब से पाकिस्तान जा रहा हूँ, अगर मैं सऊदी अरब से पाकिस्तान जा रहा हूँ तो क्या मुझे बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी? सच कोई ज़रूरी नहीं है ना, वहाँ पे कोई अब वैक्सीन का मसला है और ना यहाँ पे अब कोई वैक्सीन का मसला है। मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि देखें, एक दो चीज़ है, जैसे कि मसलन आपने अब किसी मार्केट में जाना है, ठीक है, तो वो आपका जो इम्यून है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल कई ऐसे आदमी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, और पहले से केसेस भी काफ़ी कम हैं, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सेहत के लिए अगर आप बूस्टर डोज लगवाना चाहें तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लगवानी चाहिए वैसे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब जो एक एप्लीकेशन है पाकिस्तान जाने वालों के लिए जी, यानी अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान जाने के लिए आपके पास जो एप्लीकेशन है फास्ट ट्रैक, ठीक है, वो फास्ट ट्रैक होनी बड़ी ज़रूरी है। वो नहीं होगी तो यहाँ से एयरपोर्ट पे आपको वापस भेज देंगे, यहाँ से नहीं जाने देंगे। मेरे एक दोस्त हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं, तो कुछ दिन पहले वो छुट्टी गए थे, तो जब वो एयरपोर्ट पर गए हैं तो उनके पास फास्ट ट्रैक नहीं थी, तो उन्होंने फिर मसलन एक दोस्त एयरपोर्ट पर काफ़ी होते हैं लोग जो साथ जा रहे होते हैं, तो उनमें से एक लड़के ने उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेडी कर दी थी, लेकिन जब तक वो रेडी की थी उस वक्त तक जो फ़्लाइट का टाइम था वो बड़ा नज़दीक आ गया था, क्लोज हो गया था, तो फिर उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया था। तो वो वापस आके बता रहे थे कि मैं अकेला नहीं था, तकरीबन 20-25 आदमी थे जो हमारे साथ थे। तो इसलिए ये एप्लीकेशन जो है फास्ट ट्रैक, ये बड़ी ज़रूरी है। बाकी वैक्सीन का कोई मसला नहीं है कि आपने मसलन बूस्टर डोज लगवाई है या नहीं लगवाई। अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं या आप मसलन पाकिस्तान से सऊदी अरब आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है इस डोज का, कि बूस्टर डोज आपने लगवाई है कि नहीं, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सेहत के लिए अगर आप लगवाना चाहें तो मेरे अपने ख्याल में ये अच्छी बात है, ठीक है जी। तनवीर मुग़ल साहब, ये आपके सवाल का जवाब था, तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।